यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि मेड अपने मालिक की फैमिली के लिए पेशाब मिलाकर खाना बनाती है। इस वजह से पूरा परिवार गंभीर बीमारियों की चपेट में आ गया। जब काफी इलाज के बाद भी सेहत ठीक नहीं हुई तो मालिक ने किचन में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया, तब इस घिनौने कृत्य का खुलासा हुआ। चलिए, क्या है पूरा मामला और कहां का ये पूरा मामला विस्तार से समझते हैं। बेहद चौंकाने और शर्मसार करने वाला ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आया है। एक खाना बनाने वाली मेड एक घर में बीते 8 साल से काम कर रही थी। वह मालिक और फैमिली के लिए जो खाना बनाती थी उसमें पेशाब मिला देती थी। धीरे धीरे पूरी फैमिली बीमार हो गई। इस घिनौने कृत्य का खुलासा तब हुआ जब मालिक ने अपनी रसोई और अन्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जिसमें यह करतूत कैद हो गई। दरअसल गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र की एक सोसाइटी में रहने वाले एक रियल इस्टेट कारोबारी और उनका परिवार बीते कुछ महीनों से गंभीर रूप से बीमार हो गया था। परिवार के लोग पेट और लीवर की बीमारियों से जूझ रहे थे। शुरू में परिवार ने इसे सामान्य इन्फेक्शन समझकर डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जब सेहत लगातार बिगड़ती गई तो उन्हें खाने में किसी गड़बड़ी की आशंका हुई। इसके बाद फैमिली के लोगों ने अपने किचन और अन्य हिस्सों में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया ताकि खाने की तैयारियों पर नजर रखी जा सके। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा वो बेहद हैरान और परेशान कर देने वाला था। घर में काम करने वाली मेड रीना खाना बनाते समय उसमें पेशाब मिला रही थी। यह घिनौना कृत्य देख पूरी फैमिली दंग रह गई। पीड़ित परिवार द्वारा की गई शिकायत में आरोप है कि मेड उनके यहाँ बीते 8 साल से काम कर रही थी। लंबे समय से मेड द्वारा ऐसा घिनौना कृत्य किया जा रहा था। थाने में दर्ज FIR में कहा गया है कि कुछ महीनों से परिवार के लोग लीवर की बीमारी से ग्रसित होने लगे थे। शुरू में संक्रमण समझकर डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन राहत नहीं मिली। इस पूरे मामले में DCP सुरेंद्र नाथ तिवारी ने कहा है कि शिकायत के आधार पर क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोपी काम वाली महिला रीना को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में जांच और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।